रहमतुल्लाही बरकातहू। मेरा नाम सैयद अब्बास है। मैं काफ़ी वक्त से सीपीआई पार्टी में काम करता था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। सीपीआई पार्टी को रीज़न दे दे के मैं केकेसी में आया। केकेसी में आने के बाद मेरे को तेलंगाना स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला। इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर आए। मेरे पूरे कैडर को लेके आया, मेरा पूरा कैडर है, बहुत बड़ा कैडर है। कैडर को लेके केकेसी में कैडर को लेके आया, इसीलिए मैं अपन यहाँ पर आया हूँ गांधी भवन मिलने के लिए। गांधी भवन हमारे साथियों को ले लेके आया, टीम को के साथ हम लोग वहाँ काम करेंगे। पूरे कैडर के साथ हम लोग वहाँ काम करेंगे और दिल जहाँ से काम करेंगे तेलंगाना के अंदर केकेसी जो है ना वो डेवलप करेंगे। केकेसी में हम लोग वहाँ काम करेंगे और बहुत सारे काम करें हम लोग वहाँ, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गरीबों का फ़ायदा नहीं हुआ, इसी वजह से हम लोग वहाँ केकेसी जेन करें मेरे पूरे कैडर के साथ। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, गरीबों का साथ देंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, लेबर के साथ रहेंगे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर के बहुत सारे तकलीफ़ें थे, वो तकलीफ़ें वहाँ से दूर नहीं हो रहे थे, इंशाल्लाह अभी यहाँ पर दूर होंगे, बल्कि उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ भरोसा करके आए हुए। इंशाल्लाह हमारा भरोसा कायम रहेगा, हम लोग काम करेंगे। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार, अभी ये केकेसी ऑटो यूनियन सेक्टर से स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारे अब्बास भाई, अपने अब्बास भाई के पूरे टीम्स मिलकर ये केकेसी यूनियन ज्वाइन करे है। क्या केकेसी का फुल फॉर्म क्या है? कामगार कर्मचारी कांग्रेस है। बिल्डिंग वर्कर्स में हमारे अब्बास भाई को ये स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट दिए हुए हैं। ये सब मिलके टीम वर्क पूरा अच्छा से अच्छा काम करेंगे, आगे से आगे ले जाएंगे। हर किसी गरीब की मजबूरी समझ के हर चीज़ में आगे आगे काम करेंगे हम लोग। तई बस कहते हैं, ख़त्म करता हूँ। कितने दिन होगा ज्वाइन हो गए? बहुत टाइम हो गया, मैं तो बहुत काफ़ी से हूँ। अभी हमारे अब्बास भाई रिसेंटली ज्वाइन हुए हुए, कल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है अब्बास भाई को बिल्डिंग वर्कर्स का, स्टेट वाइड वर्किंग प्रेसिडेंट का। इनके साथ ये अपने टीम भी, अपने भाई का नाम क्या है, ये भाई लोगों का महेश भाई, रमेश गौड़, ये पूरे इनके टीम, पूरे कौसर भाई और सारे, और बहुत सारे जाने आ रहे हैं, कुछ वजहों से नहीं आए। इंशाल्लाह वो लोग भी आके टीम ज्वाइन करने वाले हैं। अभी प्रेजेंट जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का माहौल सुर्खियों पर चल रहा है कि पब्लिक में भी रेवंत रेड्डी आने के बाद रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है भाई, अभी रेवंत रेड्डी साहब आने से रिस्पांस बहुत अच्छा है। आगे इंशाल्लाह और रिस्पांस रहेगा, पब्लिक के उसमें दिलों में भी खुशी है कांग्रेस आ गई 10 साल के बाद बोल के। चलो तो TRS गवर्नमेंट अभी तो खाली बोलते रहे, वादे करते रहे, कुछ भी वादे अभी तक कुछ भी वैसे वादे नहीं करे। तो आप शहर हैदराबाद की बेखसूस जो आवाम है जी, जो एक भरोसा करी थी BRS पार्टी पे जी, आज वही आवाम रेवंत रेड्डी पे भरोसा कर MP इलेक्शन में भी कांग्रेस की हुकूमत बनेगी? इंशाल्लाह रेवंत रेड्डी साहब हमारे राहुल गांधी साहब जो कर रहे हैं पैदल यात्रा, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी MP इलेक्शन जीत जाएंगे राहुल गांधी साहब। इसमें बस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में ज्वाइन किया, क्या बुनियाद और क्या बेसिक पे ज्वाइन किया? मैं CPI पार्टी इसलिए छोड़ा कि CPI पार्टी में जो है ना गरीबों का काम नहीं हो रहा था। गरीबों के लिए हम, गरीबों के लिए मेहनत करने वाले, गरीबों का साथ देने वाले, वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं CPI पार्टी छोड़ के KKC में आया। KKC में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जो है ना तेलंगाना स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट पोस्ट मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पूरे कैडर को लेके आया, मेरा बहुत बड़ा कैडर है, कैडर को लेके आया। अभी जो है ना, इससे पहले जब आप बता रहे थे कि KCR साहब 10 सालों में क्या करे, 10 सालों में KCR साहब कुछ भी नहीं करे। 10 सालों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालों के लिए देखे नहीं, और हमाली वालों के लिए देखे नहीं, ऑटो वालों की तरफ पलट के देखे नहीं। आज जो है ना 10 साल गुजरने के बाद, आज रेवंत रेड्डी साहब CM बनने के बाद, ये लोग ऑटो में बैठ के बड़े बड़े वो लगा लेके, कैमरे लगा लेके ऑटो में बैठ के, आज ऑटो याद आ रहा है ये लोगों को? 10 साल पहले ऑटो ने याद नहीं आया, 10 साल पहले चप्पल घस गए ऑटो वालों के लिए। ऑटो वाले के लिए 10 साल से हम लोग चिल्ला के बोल रहे, मीटर का रेट नहीं बढ़ गया, मीटर का रेट 10 साल पहले बढ़ा था, आज तक नहीं बढ़ा मीटर का रेट। मीटर के रेट के लिए हम लोग कईयों बार धरने दिए, भूख हड़ताल करे, उसको इन लोगों को जब कान में जू नहीं दड़ी। अब जो गवर्नमेंट कांग्रेस की आई, अब जो बोल रहे ऑटो वालों के पीछे 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 जा रहे, तो ये वजह ये है। ये जो है ना वो क्या बोलते हैं, कहावत है, वो कहावत कर रहे हैं लोग, बिल्ली का कहावत, बिल्ली जो दूध पी, आँख बंद करके दूध पीती देखते नहीं बोलते, उन आँख बंद करके दूध पी रही, सब सारी दुनिया देख रही है उनके ड्रामा, उन लोग ड्रामा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनका ड्रामा ख़त्म करेंगे हम लोग, उनका ड्रामा ख़त्म करके उनको जो है ना फार्म हाउस में रेस्ट दिलाएंगे इंशाल्लाह। चाहे तो क्या आप आवाम की बहबूदी के लिए काम करेंगे? ज़रूर इंशाल्लाह, सिर्फ आवाम के लिए काम करेंगे, उनके लिए हम रहेंगे, उनका साथ देंगे, उनके 24 घंटे उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी परेशानी है लेबर की, जो बिल्डिंग पे से गिर जाता लेबर, उसको जो है ना हाथ पैर टूट जाता, किसी का इंतकाल हो जाता, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हुआ, तो हम जो है ना 5 लाख रुपये के गवर्नमेंट से दिलाएंगे। गवर्नमेंट से जो हाथ पैर तोड़ता उनको जो है ना 3 महीने 4 महीने जो भी बेड रेस्ट मिलता वो भी पैसे दे लेंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है 5 लाख रुपए
देने का, वो बराबर हमारे गवर्नमेंट स्कीम निकाली वो गवर्नमेंट का बराबर फ़ायदा उठाएंगे, फ़ायदा देंगे गरीब को।